बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी कौन सी व्यवस्था की जो गांव के मजदूर का बच्चा ऑनलाइन क्लास ले सकता था? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की इन्होंने। क्यों नहीं की? कि इनको ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं है, इनको तिलक पे चुनाव लड़ना है, इनको जो है दाढ़ी पे चुनाव लड़ना है। प्रदेश में तो ऐसा तहलका मचेगा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश आंखों से दिखाई नहीं दे। किसानों को कोई कर्जा माफ किया है क्या? नहीं किया। किसानों के बच्चे को किसी कहते हैं कि क्लास ऑनलाइन चलेंगे, किसी एक बच्चे को जो माँ बाप गरीब हैं, वो 15,000 का मोबाइल नहीं खरीद पाते, उन माता पिता के बच्चे कैसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, मुझे ये बता दो। उनके दर्द नहीं है? डीजल इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, किसान का गेहूं बिचा नहीं, मक्के के रेट नहीं मिले, धान कोई पूछ नहीं रहा है, क्या किस मुद्दे पे जाएंगे चुनाव में? उत्तर प्रदेश चुनाव में अब मात्र लगभग 6 महीने का वक्त रह चुका है और विपक्षी पार्टियां हो या सत्ताधारी पार्टियां, सभी जो है अब चुनाव में व्यस्त नज़र आ रही है। सभी जो है अपने अपने दांव खेलना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णपाल यादव, जो उत्तर प्रदेश के जनता भी हैं और किसानों के साथ काफ़ी समय से बने हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जो है उनका किसान नेता है, बड़े किसान नेता, उनका बयान आया है कि अब जो है हम घर घर घूमेंगे, गाँव गाँव घूमेंगे, किसानों के से अपील करेंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे, कहाँ तक से राजनीति में उतर रहे हैं क्या किसान? नहीं, राजनीति एक बात बताओ, ये देश राजनीति से चल रहा है ना? आप मुझे ये बताओ, हमारे बच्चों का भविष्य राजनेता तय करते हैं। हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, हम कैसे रहेंगे, नौकरी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें प्राइवेट मिलेगी या सरकारी मिलेगी, हम अपने बच्चों को कितना भी पढ़ा लें, लेकिन ये देश के राजनेता तय करते हैं। आज किसान की जमीन अपनी बचाने के लिए किसान आंदोलन पर बैठा है, और अगर टिकैत साहब को ये फैसला लिया है टिकैत साहब ने, तो क्या गलत लिया है? मुझे एक बात बताओ कि जब सब कुछ राजनेता ही तय करना है, राजनीति से ही सब कुछ होना है, तो किसानों को भी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहीं भी ये नहीं कहा था कि तुम्हारी ज़मीन है अडानी और अम्बानी को दे देंगे, लेकिन बाद में हुआ ना, उन्होंने अपने किस फाइल पर साइन किया, क्या उनका कंप्रोमाइज हुआ, कैसे सत्ता में आए, क्या बात हुई, उन्होंने जो उनकी प्रॉब्लम थी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम निपटा के किसानों को बेचने का काम किया। अब जिम्मेदारी बनती है राकेश टिकैत जी की, तो राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश और देश का जो किसान है उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। अब राकेश टिकैत की जिम्मेदारी बनती है कि या तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन इतना बड़ा करें कि भारतीय जनता पार्टी घुटनों पे आए और कानून वापस ले, और या फिर इस भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता से भगाना है। तो राकेश टिकैत का धर्म बनता है कि वो किसको वोट देगी जनता, ये तय नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट ना दे, किसान वोट ना दे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो हमारे आने वाले नस्लों को और फसलों को दोनों के लिए ठीक। इतना असर पड़ेगा क्योंकि लोग बात कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव में जब किसान गए तो साफ तौर पर असर देखने को मिला कि ममता बनर्जी बड़े अंतर से जीती हैं, मुझे क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा? तुम मुझे ये बताओ जुनैद, तुम पहले दिन से आंदोलन कवर कर रहे हो, आंदोलन में हजारों लाखों की संख्या में भीड़ आई, अगर एक परिवार के 4 वोट भी मान के चलो और राकेश टिकैत की उन दिलों में और घरों में फोटू लगे हैं, राकेश टिकैत जी जब एक भावनात्मक अपील करते हैं तो यहाँ हजारों गाड़ी दिखाई देती है। तो राकेश टिकैत बहुत बड़ा चेहरा है देश का किसानों का। अगर राकेश टिकैत ने यह कह दिया था कि हम अपनी फसलें जो है खेतों में नष्ट कर देंगे, तो हजारों एकड़ जमीन लोगों ने खेतों में नष्ट कर दी थी, तो राकेश टिकैत को दोबारा अपील करनी पड़ी थी कि हमने ये नहीं कहा है कि खेत अपने खेतों में फसल जोत दो। तो अब आप समझ सकते हो कि राकेश टिकैत की अपील का बंगाल में कितना फर्क पड़ा कि 200 सीट जीतना तो ये चाहते थे, और जिसे 5 सीटें नहीं देने को तैयार थे वो ममता दीदी 200 से ज़्यादा सीटें जीत के चली गई। उत्तर प्रदेश में तो राकेश टिकैत की और जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की कर्म भूमि और जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा तहलका मचेगा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश आंखों से दिखाई नहीं देगा। वो कह रहे हैं, उनको कहने दो ना, वो तो बंगाल में भी कह रहे थे, उनको कहने दो, लेकिन जमीनी हकीकत आप मेरे से पूछो वो क्या कह रहे हैं वो मुझे पता है, उनकी मत बताओ मुझे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं चाहती कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी के अगर नेतृत्व में इन्होंने चुनाव लड़ा तो मुझे ये बता दें ये काम क्या बताएंगे, इन्होंने क्या किया 5 साल में, किसानों के लिए क्या किया, लोग बेरोजगारों
के लिए क्या किया, देश के युवाओं के लिए क्या किया, छात्रों के लिए क्या किया, जो लैपटॉप देने की बात की थी उसके लिए क्या किया, जो इन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारा गन्ने का भुगतान कर देंगे 8 दिन के अंदर, उसके लिए क्या किया, इन्हें जनता में आके ये बताना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का जो पोस्टर एड आता उसमें कह रहे हैं गन्ने का भुगतान टाइम पे किया है, तो मैं कहता हूँ गन्ने गेहूँ के MSP खरीदा और अभी 72 रुपए धान के MSP बढ़ाया गया है। नहीं, ये एड देखने में अच्छा लगता है, टीवी आप चला लोगे, टीवी मुझे पसंद नहीं आएगी, टीवी का मैं स्विच बंद कर दूंगा, लेकिन जब हम वोट डालने जाएंगे तब क्या करोगे आप, हमारा टीवी आप ऐड दे रहे हो टीवी पे झूठा, और सबको पता है हम लोग चर्चा भी करते हैं कि टीवी पे गलत झूठा ऐड आ रहा है, हम टीवी का स्विच बंद कर देते हैं, जब हम वोट डालने जाएंगे तो तुम हमारा क्या बंद करोगे, हमें ये बता दो। टीवी पे तो चलो तुमने हमारी मानसिकता को बीमार कर दिया एक बार, और दूसरी बार क्या कर दोगे, हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास जो पिछली सरकार ने किया था योगी आदित्यनाथ जी आज दिन तक उसी का फीता काट रहे हैं। मैं देख रहा था, एक विधायक कह रहा था एक्सप्रेस में भी तो बनाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का पूरा डाटा निकाल लो कि इनने क्या बनाया, जो नखलऊ एक्सप्रेस वे का है इन्होंने क्या बनाया है, जो 5 जिलों में मेट्रो जो चल रही है राजधानी नखलऊ सहित है इन्होंने एक पिलर बनाया है क्या, नहीं बनाया। इन्होंने किसानों को कोई कर्जा माफ किया है क्या, नहीं किया। किसानों के बच्चे को किसी को कहते हैं कि ये स्मार्ट क्लास चलेंगे, ये कहते हैं कि क्लास ऑनलाइन चलेंगे, किसी एक बच्चे को जो माँ बाप गरीब हैं वो 15,000 का मोबाइल नहीं खरीद पाते, उन माता पिता के बच्चे कैसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, मुझे ये बता दो। उनके दर्द नहीं है, जो हाई फाई जो 35,000 रुपये फीस देता है वो तो अपने बच्चों को 15,000 का मोबाइल दे देगा, वो तो ऑनलाइन पढ़ लेगा। उत्तर प्रदेश की जनता अगर ऑनलाइन क्लास, अगर ये अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर मेरी सत्ता आई तो हम सब बच्चों को मोबाइल देंगे, उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन भी हो गए थे कई लाख लोग, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वो सरकार अगर मोबाइल देती उस टाइम तो हो सकता है कि गरीब माँ का बेटा जो लैपटॉप लिए बैठा था उनने तो ऑनलाइन क्लास ले ली थी, लेकिन अगर मोबाइल मिल जाते तो गरीब का बच्चा ऑनलाइन क्लास ले लेता। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी कौन सी व्यवस्था की जो गाँव के मजदूर का बच्चा ऑनलाइन क्लास ले सकता था, नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की इन्होंने। क्यों नहीं की, कि इनको ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं है, इनको तिलक पे चुनाव लड़ना है, इनको जो है दाढ़ी पे चुनाव लड़ना है, इनको जो है ना हिंदू और मुसलमान पे चुनाव लड़ना है, तो इन्हें पे मिल भी जाते हैं ना। अब भाई नहीं मिलेगा ना, ये मिल गया ना, तुम कितने बार काट के अंडी चढ़ाओगे, नहीं बार बार नहीं चढ़ती, अच्छा। मिल गया ना, अब लेके दिखा दो तुम बंगाल में, मुझे तुम बताओ बंगाल में करा ना, बंगाल में नहीं करा ना, हिंदू मुस्लिम लोगों ने नकार दिया ना, पेट में रोटी चाहिए और युवा को रोजगार चाहिए। बीजेपी में जो फूट पड़ रही है, कहने को सुनने में आ रहा है कि बीजेपी में फूट है, और राजभर जो थे वो भी अब प्रचार करेंगे बीजेपी के खिलाफ, निषाद पार्टी जो है छोटी पार्टी है वो भी कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ हम करेंगे, तो क्या लगता है इसका असर किस पार्टी नहीं, तुम राजभर की अगर बात करते हो, राजभर जी ने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी की विचारधारा उनकी विचारधारा ही मेल नहीं खा रही थी, राजभर जो है उनको तो बीजेपी पहले से ही पसंद नहीं थी, और बीजेपी ने सत्ता में आके उनको मंत्री बनाया, उनने मंत्री पद पर भी लात मार दी और उन्हें अपना छोड़ के अपना घर बैठ गए। तो राजभर जी को सम्मान की राजनीति करनी है, राजभर जी को गरीब की और खेती और किसान और मजदूर की राजनीति करनी है, भारतीय जनता पार्टी को उद्योगपतियों की राजनीति करनी है, विचारधारा मेल नहीं खाएगी। ऐसा नहीं लगता कि जो भी अगर काम भी करते हैं ये लोग तो उसका विरोध करते हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहे हैं योगी जी, इसका क्यों विरोध किया जा रहा है? फिर वही वाली बात, जनसंख्या नियंत्रण का कानून अगर बना रहे हैं तो इंतजार किसका कर रहे हैं, कानून नहीं बना रहे हैं उनको, ये इलेक्शन में इनको मुद्दा रखना है। हाँ, ये मुद्दा नहीं इनके पास, तुम फिर बोले यार वही वाली बात, विकास की बात कर नहीं सकते ना ये, क्योंकि विकास इन्होंने किया ही नहीं, इन्होंने गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया, इन्होंने मजदूर को नौकरी नहीं दी, इन्होंने रोजगार 2 करोड़ साल के ख़त्म कर दिए, इन्होंने 70,000 बस उत्तर प्रदेश की जंग खाती रही, 1800 किलोमीटर पैदल लोग चलते रहे, इन्होंने क्या किया तुम हमें बताओ, DAP की 2400 रुपये की बोरी कर दी, 5 किलो यूरिया खाद से निकाल ली, डीजल इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, किसान का गेहूँ बिचा नहीं, मक्के के रेट नहीं मिले, धान कोई पूछ नहीं रहा है, क्या किस मुद्दे पे जाएंगे चुनाव में? उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे है, क्या लगता है कौन से पार्टी बड़ा बन सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी आज कहा है कि 350 वोट जो सीटें उनकी आ रही है, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी है। देखो एक बात समझ लो, उत्तर प्रदेश की राजनीति, आप उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश को बारीकी से समझते हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती जी को छप्पड़ फाड़ के दिया था,
उसके बाद अखिलेश यादव जी को छप्पड़ फाड़ के दिया। क्या नहीं कोई पार्टी सुन लो पहले, अखिलेश यादव जी को छप्पड़ फाड़ के दिया। अखिलेश यादव जी को इसलिए जनता ने ये नहीं पसंद कर पाया कि शायद इनकी केंद्र में सरकार थी, राज्य में भी आ जाएगी, डबल इंजन की सरकार आ जाएगी, तो लोगों ने कहा कि भाई चलो मोदी जी के भी कोई नहीं है, योगी जी के भी कोई नहीं है, हो सकता है विकास की गंगा बहेगी, उत्तर प्रदेश में गंगा भी निर्मल हो जाएगी, नदी नाले निर्मल हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के रोजगार की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के समझ में आ गया कि ये दोनों के दोनों नदले निकले, इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं दे पाया, एक इंजीनियर मुख्यमंत्री था उसकी लोगों को याद आ रही है। जनता किधर भी जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनता किधर जाएगी, लेकिन ये हम 100% आपको कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाएगी सत्ता में, वो कहीं भी जाए। ये आप, मैं आज बोल रहा हूँ और कल बोलूँगा और फिर आप बोलो, फिर कहोगे आप, जैसे बंगाल में हुआ, बंगाल में इनकी आबरू और इज्जत फिर भी बच गई, उत्तर प्रदेश में भाई साहब एक एक सीट के लिए और अपनी जमानतों जब्त होने से बचा लें, ये वही बहुत बड़ी बात है।